राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को चुनाव के अंदर बदनाम कर दिया और उसके बाद में अपनी सरकार बना ली, लेकिन 2.5 महीने सरकार को बीत चुके हैं और अपराध पर किसी भी तरह का लगाम नहीं है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं और ऐसी घटनाएं एक के बाद एक सामने आती हुई नजर आ रही है। आखिरकार इन पर लगाम कब लगेगा और क्या कुछ उन्होंने कहा भजनलाल सरकार के लिए, दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। जो काम हमारे योजना के हो गए अभी हम देखा हो तो मैंने 10-15 लोगों से बात करी, सभी लोगों ने तारीफ करी कि हमें इलाज मिल रहा है, दवाई फ्री मिल रही है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं सरकार की, अपने मेडिकल साइड के अंदर सबका इलाज किया है। ये देश में दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो, एक प्रयास में फेल हो गए घर वहाँ की राजस्थान के अंदर ऐसी स्कीम बनी जिसका नाम है चेंज योजना, उसके माध्यम से आज कोई गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, कोई पैसे वाला हो, सबके लिए फ्री इलाज स्कीम एक बार चला। हमें कितने गरीबों ने बात करी, उनके दिल में क्या भावना आपने देखा होगा। मुझे अच्छा है कि स्कीम और मजबूत हो, सरकार से मांग करूँगा इसमें जो आपको अभी कुछ ढिलाई हो गई है, कई लोग कह रहे हैं आपको इलाज बंद हो गया है कि प्राइवेट वाले मना कर रहे हैं, उनको सरकार को चाहिए कि कोई पेमेंट की कमी है पूरी करें, प्राइवेट के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर इसकी स्कीम, शिक्षा स्वास्थ्य दो चीज़ें ऐसी होती है जिसमें सरकार का तवज्जो नहीं करना चाहिए। अभी मैं समझता हूँ उसमें कमजोरी आई है, एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया जब सरकार आने के बाद मेरा नहीं हो रहा है, मना कर रहे हैं, पैसा लगने लग गया है, शिकायत नहीं आने। सर स्कीम का नाम बदला है, स्कीम का नाम बदल दिया लेकिन नाम बदलो नहीं, स्कीम का नाम बदल दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।